हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी को भी आप लोग चालू कर चुके होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर संबंधित पैडागोजी क्वेश्चंस, जिसमें आपके सीडीपी के, ईवीएस के और मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चन रहने वाले, यानी कि तीन सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे आज की इस क्लास में, जिसमें कम से कम 35 या फिर 37 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की तैयारी के लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्लासे आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। अब हमारी जो सुबह क्लास रहा करेगी उसमें हम नियमित रूप से, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, पैडागोजी क्या करेंगे, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, ईवीएस की हो, हिंदी की हो, तो पैडागोजी की क्लास आपको रोज़ सुबह मिला करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज की यह क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं पैडागोजी के क्वेश्चन। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को सेशन को शेयर करना है अपने सभी साथियों के पास में। सेशन को शेयर करने के बाद में जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है, पिता का यह कथन। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, एक बालक है रोहन, वो खेल रहा था, तो खेलते खेलते उसके लग गई चोट, चोट लगने के कारण वो रोने लग गया। तो उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है, पिता का यह कथन। पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, जबकि चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सीटेट के जितनी भी अभी तक शिफ्टें हुई थी, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में अधिकतर पूछा गया था पिछली बार 21-22 में, जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर और जनवरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर वन है। क्या है ये? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर वन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू है, एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन है इसका, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तीसरा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, जबकि चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। क्या होगा? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या फिर प्रेरित करेगी, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी, जबकि तीसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, जबकि चौथा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जो लोग हमारे साथी लोग एक बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और किसी कारणवश उनको सफलता नहीं मिली है, उन लोगों की आज की इस क्लास में कम से कम 35 में से आपके 30 क्वेश्चन सही करने हैं कम से कम आपको। जो लोग नए हैं उनको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सही करने हैं अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू है, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही हो जाएगा। देखने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन सही होगा। पहला ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। आप लोग ऑप्शन देखते रहिए और पढ़ते रहिए साथ साथ में और आंसर देते रहिए। दूसरा जो है वो ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, जबकि चौथा ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर देते हुए जो लोग नए जुड़ रहे हैं आज इस क्लास को, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं देखने के लिए, वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सीटेट के लिए पैडागोजी यहाँ पर नियमित रूप से क्लासें आपको करवाई जाएंगी और साथ साथ में ईवीएस और हिंदी की क्लासें भी करवाई जाएंगी, जिसमें आपको थ्योरी का मटेरियल दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर वन है, विद्यालय सामाजिकरण की एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। आज की क्लास में हम तीन
सब्जेक्ट से संबंधित पेडागोजी करेंगे। पहले सीडीपी की रहेगी, उसके बाद में मैथ्स की रहेगी, उसके बाद में ईवीएस की रहेगी। तो लगातार क्लास में बने रहिए अंतिम तक। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सेशन को सभी के पास में जरूर शेयर करें एक बार सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो इसका आंसर सही बताइए आप लोग क्या होगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्ध केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का ऑप्शन नंबर जिन्होंने तीन किया उनका सबका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री जो है बिल्कुल सही आंसर। इसमें बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डॉट डॉट चरण को दर्शाता है। सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रथापूर्व, दूसरा है प्रथागत, तीसरा है उत्तर प्रथागत और चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डॉट डॉट चरण को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथागत, यानी ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही आंसर इसका प्रथागत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। पहला जो ऑप्शन है वह है सांस्कृतिक उपकरणों पर, दूसरा ऑप्शन रहने वाला है गुणारोपण पर, जो तीसरा ऑप्शन है वो है अभिप्रेरणा पर, चौथा ऑप्शन है संतुलीकरण पर। तो सभी को आंसर करना है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। तो क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन नंबर वन अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यह हो जाएगा सांस्कृतिक करणों, तो ऑप्शन नंबर वन सही आंसर इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपको पता है कि सीटेट कम से कम 60 से 65% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाता है, कहाँ से लाएगा बार बार नए क्वेश्चन। तो नियमित रूप से आप लोग क्लास लेते रहिए और आज की इस क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप जुड़ चुके हैं क्लास में तो जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र और चौथा है स्कीमा या फिर मनोबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, क्या हो जाएगा, स्कीमा या मनोबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा ऑप्शन है वह विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। जबकि चौथा ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है। तो इसका आप लोगों को सही आंसर बताना था क्या हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर फोर, विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ पेडागोजी के आएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इस क्वेश्चन का, बताइए सही आंसर क्या होगा। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वह संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। चौथा ऑप्शन रहने वाला है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम पर, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। गणित का जो शिक्षण अधिगम होता है उसके ऊपर इन चारों ऑप्शनों में से किसका प्रभाव सबसे कम होने की संभावना है। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोगों से शिक्षण में परिवर्तन करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, चौथा ऑप्शन है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना।
तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक सम चतुर्भुज और एक आयत है। एक लड़का है रोहित, उसने अनुभव किया कि वर्ग जो है वो एक सम चतुर्भुज एक आयत दोनों ही है। वह वेन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, जबकि ऑप्शन नंबर 4 है 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो जो है वेन हिले के स्तर नंबर 2 यानी कि संबंध ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वो दूसरे चरण में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, सभी को बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला है संवरक गुण, दूसरा है क्रम विनिमेय गुण, तीसरा है साहचर्य गुण और जो चौथा है वह है वितरण का गुण। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो आपको बताना था इसका सही आंसर, तो वो हो जाएगा संवरक गुण, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका, संवरक गुण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ पेडागोजी के देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं आपको बताना है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दूसरा ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। जबकि चौथा ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिए एक बार। ऑप्शन पढ़िए आराम से और बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो सत्य नहीं वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, यही इसका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए इन चारों में से कौन से कथन सत्य आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। जबकि चौथा ऑप्शन है, संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग एक बार आंसर करिए। प्राथमिक स्तर पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपको इधर देख के देना है, ये देखिए बी और सी, ए और डी, सी और डी। तो बताइए इनमें से प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए इनमें से इन चारों में से कौन कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे वाला, इसका सही आंसर है ए और डी, यानी कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ए वाला, और डी वाला संख्याओं के अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए, ए और डी इसमें सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। दूसरा ऑप्शन है, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। जबकि तीसरा ऑप्शन है, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। चौथा ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी को आंसर करना है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को
बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना जो गणित होती है उसको बच्चों के जीवन के अनुभवों का अगर आप भाग बनाएंगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा ये गणित पढ़ाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला ऑप्शन है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, दूसरा ऑप्शन है सुडोकू पहेली को हल करना, तीसरा ऑप्शन है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, चौथा ऑप्शन है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही आंसर इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? भिन्न की अगर आपको संकल्पना पढ़ानी है बच्चों को तो इनमें से क्या सबसे उपयुक्त है? गिन तारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट या फिर किजी नियन छड़े? तो बताइए क्या सही है इसमें। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त अत्यंत उपयुक्त जो विकल्प है वो इनमें से क्या रहेगा, सभी को ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। क्या हो जाएगा? किजी नयन जो छड़े हैं ये सबसे उपयुक्त रहेंगे भिन्न पढ़ाने के लिए। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं आपको बताना है गणित के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तीसरा ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है आपको ये वो बताना है इनमें कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन इसका सत्य है ऑप्शन नंबर थ्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या तीन का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? इन चारों में से किस ऑप्शन में हुआ है संख्या तीन का प्रयोग क्रमसूचक के भाव में? पहला ऑप्शन है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। दूसरा ऑप्शन है, इस घर में तीन कमरे हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, इस डिब्बे में तीन पेंसिल के कई समूह हैं। तो आपको क्या बताना था? संख्या तीन का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। क्रमसूचक भाव में हुआ है तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस ऑप्शन में जो है वो संख्या तीन का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है पहला वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। सभी लोग बताइए इन चारों में से शुद्ध कथन कौन सा है? पहला जो ऑप्शन है वह है, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। दूसरा ऑप्शन है, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तीसरा ऑप्शन है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। जबकि चौथा ऑप्शन है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है शुद्ध कथन है वो कौन सा हो जाएगा, सभी को ये बताना था। तो इसमें जो शुद्ध कथन है वो कौन सा होगा बताइए सभी लोग। इसका जो ऑप्शन नंबर फोर है बिल्कुल सही होगा। इसका शुद्ध कथन है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अब आपको EVS पेडागोजी के क्वेश्चंस करने हैं। हम CDP पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नंबर है EVS का। तो लगातार क्लास में बने रहिए। नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए CTET की बेहतरीन तैयारी के लिए, और एक बार इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए सभी के पास में। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। हमें पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर तीन, मणिपुर इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? मणिपुर था इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो
कच्चे तेल का उत्पादक है बॉम्बे तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात और तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे? गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर के, इनके नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पौधे को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित भंडारण करना, और जबकि चौथा है पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से जड़ों के कार्य पूछा गया है कौन कौन से हैं। तो बताइए नीचे ये ऑप्शन है, इनमें से जड़ के कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सी डी, पौधे को सहारा देना, भोजन संचित करना, उनका भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, इनमें से जड़ों के ये सभी कार्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली इस समय किस राज्य में है, आपको ये बताना है। पोचमपल्ली इस समय है तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन यही उठाए जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा जो लोह तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है इन चारों में से, कौन सा? ऑप्शन है आंवला, गुड़ और पालक जो है, इनमें सबसे ज़्यादा लोह तत्व पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है फाख्ता कौआ मोर, दूसरा ऑप्शन है बाज कबूतर तोता, तीसरा है कौआ चील बुलबुल, चौथा है बाज चील और गिद्ध। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बाज चील और गिद्ध जो होते हैं वो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकने में जो है वो सक्षम होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार तैयारी की है सीटेट की तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम बिल्कुल सही आंसर है इसका, असम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की जो राजधानी है की दिशाएं क्रमशः हैं, दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गुजरात और पटना की राजधानी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बोने, पीले या हरे आदि। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना था क्या होगा। पहला ऑप्शन था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगराग जॉन मेंडल, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो सही आंसर है ग्रेगराग जॉन मेंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगराग जॉन मेंडल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? एवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक क्या है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना था। तो
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है निर्णय वाले कथन को लिखना, तीसरा ऑप्शन है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, चौथा ऑप्शन है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन है आपके सामने इन चारों में से, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो उपाख्यान में जो नहीं लिखना चाहिए वो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को, यानी इसका ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही होगा, ए और बी यही नहीं लिखने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना आपको बनानी है तो पहला ऑप्शन है एक पाठ में दो या अधिक विषयों विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, जो दूसरा ऑप्शन है वह है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं। आपको एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनानी है तो आप इनमें से किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर वन देखा जाए तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। आज की क्लास यहीं आप पर आपकी समाप्त होती है। जो लोग लगातार शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहे उन सभी लोगों को धन्यवाद। जो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आपको सेशन को सभी के पास में शेयर करना है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। तो फिलहाल अपनी क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।